आज जीजू को इतना महंगा गिफ्ट देने वाला हूं ना, जब वो अगर भाई को दे रहा है न्यू बाइक गिफ्ट बताओ पर्दा में होगा ना ले तू भी हो बचपन के सपना था। अरे हमें विश्वास नहीं हो रहा देख कर मैं हो जावेगी छोरे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सिस्टर का फ्लैट पे से और ये वाला मिरर से। अबे यार ये पंख ये चल बाहर को जा, अभी से बाहर फेंकता हूँ। अब बाहर ही डिस्टर्ब कर रहा है ब्लॉग बनाने में। माशाल्लाह से गाइस देख सकते हैं वाला मिरर है कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ब्लॉग बनाने में काफी मजा सा है, मतलब की मिरर के आगे खड़े हो जाओ और ब्लॉग शूट करते रहो। यहाँ से लेकर पूरे मतलब की लाइट लगा। अबे इसने बंद कर दिया भैया, इसके अंदर ना मोड होगा आई थिंक, एक ही वाला मोड है, एक ही वाला मोड है जो ऐसे मोड से। ओ हो भैया दिल खुश हो गया भैया, देखते हैं पंखा चलता है ना भाई, बहुत तेज की आवाज करता है। लो उजाला ही उजाला। दिनों के बाद गए हम फ्लैट पर, आने टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आने का, तो अभी यहाँ पर फ्लैट पे चल गए सफाई फफाई। ये रहा सिस्टर का किचन है, सिस्टर सफाई तो कर ले करो। अस्तगफुरल्लाह, देख लो भाई कैसा कर रखा कूड़ा का वाला। चलो कोई नहीं, सफाई जाएगी ना तो सही लगेगा। अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म बार बार करो। खाओ माँ कसम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है आज, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाला होने वाला, मतलब कि बस तुमने सोच नहीं होगा ये सरप्राइज होने वाला हो सकता है। क्या होने वाला है? अब बताऊँ मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, तुम कब तक रेडी होगा मिल लो मुझे? आधा घंटा। तुम आधा घंटे में क्या करोगे भाई, आधा घंटे में रेडी होगा? ओफो अभी नाश्ता भी नहीं करा। असदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि हाँ हाँ ये तो हम भूल गए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, जैसे भी अभी हमारा सरप्राइज मैंने थोड़ा सा टाइम है, इतने वो कर भाई रेडी होंगे और फिर एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज होने वाला है गाइस, आप भी कहोगे बस बढ़िया। और आ मेरी जान, तेरे बच्चे मुझ पे कुर्बान, हम जवान तुम भूल गया डाली। कोई नहीं गाइस, डायलॉग याद करके आऊंगा उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो जैसा आपको बता मैं न्यू शूज लेकर आया था, तो रियान भी कह रहा है भाई इतना बड़ा शूज लेकर आ चुका, तेरे पैर से ज्यादा शूज बड़ा लग रहा है, वो बड़ा ही लग रहा है लंबा आगे से। तो भाई देखो ये वाला शूज लाया था मैं, यूं कह रहा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर आया भाई, और मेरा 6 शूज आता है तो सही लग रहा है ना। खासी शॉप पर मैं जाऊंगा जिससे यार शूज बाय करके लाया था, अब वहां पर जाऊंगा भाई, के पास 6 नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पैसे रिफंड कर दो फिर मैं और कोई सा ले लूंगा। बेबू बगर भाई को मैंने क्या, चलते हैं। और गाइस हेलमेट लेकर जाएंगे बिल्कुल सेफ्टी से, हमारी बाइक तो है नहीं, अपनी बुलेट से ही जाएंगे, अपने धन्नो सामने खड़ी है, तो फटाफट से चलते हैं। मैं चला रहा बुलेट, अबू बगर भाई ला मुझे गाड़ी दे। मैं भाई आराम से चलाऊंगा, टेंशन फिकर रहो, बहुत ही मंदी चलाऊंगा। अब अगर भाई डर रहे थे भाई, मैंने कहा अगर भाई मान जाओ। तो ये देख लो गाइस खुरंड का कुछ ऐसा रोल है, मतलब कल रात को मैंने गोला का तेल इतना ज्यादा लगाया था, सारा खुरंड ना एक ही बारी में छुट चुका है, अब सिर्फ ना एक याला खुरंड रह गया और एक याला खुरंड, इंशाल्लाह ये भी जल्दी से जल्दी छुट जाएगा। हेलमेट ये रखेंगे, दोनों के हेलमेट है तो हेलमेट लगा के अब गाड़ी चलाएंगे। ठंड बताऊं कौन सी, एक तो सुबह की है मतलब की 5 से 7-6 बजे तक की आराम से, और रात की एक ठंड भाई 9 या 10 बजे के बाद जो ठंड सी पड़ती है हल्की हल्की, अब तो इतनी खतरनाक धूप लगी पड़ी है ना, देखना सूरज ऊपर है और इतना ऐसा लग रहा है टैनिंग फेनिंग होगी, पर ना ये वाली से टैनिंग नहीं होगी क्योंकि मैं अपनी डे वाली क्रीम लगाकर आया हूँ, सुरक्षा कवच मतलब की पूरी तरह से पैक होकर आया हूँ। जो मुझे साइज चाहिए था ना वाला अवेलेबल नहीं था, जो मुझे व्हाइट वाला शूज चाहिए था ना, तो इसमें का ये ब्लैक मिल रहा है और एक ये वाला कलर मिल रहा है भाई, ये वाला नहीं, पर भाई मुझे ना व्हाइट चाहिए था, एक बार अपना वाला दिखा देता हूँ भाई। देखो ये रखा हुआ, ये ना व्हाइट की लुक मजाक सट के अलग आ रही है और इस वाले की अलग आ रही है, तो भाई कब तक अवेलेबल करा दोगे? बहुत जल्द। चलो भाई से इंशाल्लाह फिर आते हैं ना भाई, रख लो आप इसे, तो बाद में लेकर चले आऊंगा मैं। यहाँ पर रात में अंदर इतना जाम होता पड़ेगा, मतलब दिन में हो रही है गाइस और सारे होटल ना खुल चुके हैं और वो रहे सामने जमा मस्जिद, तो फटाफट से हम घर पे जा रहे हैं। और जो मैंने शूज चाहिए था फाइनली बुक कर दिया, वो कह रहे ऑर्डर पे आ जाएगा, नहीं ठीक है भाई मंगा देना, हम तो जब मर्जी लेंगे, यहाँ तो आते ही रहते हैं ना, तो आराम आराम से यहाँ से निकलते हैं। चलो आराम से। आज भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रही है माशाल्लाह से, दिन में ना अलग ही लुक देती है, रात में भी अलग ही देती है लोग। और अम्मी ने घर पे खाना बना लिया होगा, बस घर पे जाकर खाना है, और ये देखना आ गए, ओफो फंस जाएंगे आधा घंटे। लाल किले वाला मेला लगा हुआ रहा था, देख लो अभी तक हटा हुआ नहीं, मतलब कि पूरा 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अब भी ना यहाँ पर कूड़ा है भाई, क्योंकि 3-4 मेले एक साथ लगे थे ना, तो इस वजह से ना अभी तक इन्होंने टाइम काफी लगेगा। देखो मेला दिनों का आता है, एक बार आके चला जाता है। लाल किला लाले तुम्हारा भाई बवाले, हो गया खाना रेडी यहाँ पर, जल्दी से लगा दो, एक बार उखाड़ लूं, तेल तो नहीं उड़ेगा। बिस्मिल्लाह, मम्मी से स्पेशल डिमांड करके भुनवा गोश्त, और देख लो कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, चलो तो अंदर लगा दो जल्दी। लाओ मैं तुमने तो बहुत ही ज्यादा लजीज बना रखा, बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। सरप्राइज तुम सच में, अबे एक सरप्राइज दिखा सकती हूँ? अच्छा जी चलो, तो मैं भी देख लो, ओल्ड या गोल्ड? अच्छा गोल्ड, अरे गोल्ड तो नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो, तुम एक सरप्राइज मुझे दे रही हो आज, उबकर भाई के लिए भी एक सरप्राइज है। क्या कर रहा था मैंने,
अच्छी अच्छी वो तो पता लग जाएगी, पर मैं अब वोकर भाई को पहले सरप्राइज दे देता हूँ। क्या है तो हमें नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा क्या, अच्छा पर्स मंगाया है तो ये पैसे वैसे कहाँ से भर गए इसके अंदर? अरे वाजी स्पेशली बन के, मतलब कि बनकर आया पूरे तरह से है। इस पे क्या बनवा दे बताओ? ये लेदर का पर्स है पूरा का पूरा, अंदर से लेके बाहर तक। तेरा बुबू तो कुछ चीज पसंद नहीं आती है। आज देखो हमारी एक छोटी सी सब्सक्राइबर आई, क्या नाम है तुम्हारा? जुआनी। क्या तेज की बोलो ना, सुआलिया। और दांत को, दांत कौन लेगा बीच का है? दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो हम जा रहे हैं वो अगर भाई को सरप्राइज देने के लिए। बड़ी हगीज पहनेंगे। तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं पार्टी पर, अगर हम भी जाएं। यार ये हंस क्यों रहे हैं? अरे बहुत अच्छा गिफ्ट है, बिग साइज। अबे नहीं मजाक कर रहे हैं भाई, चीज एक सरप्राइज मतलब लाखों रुपए में वो चीज गया। आप सोच सकते हो लाखों में ये बात है, 10 करोड़ का है क्या? करोड़ों में ये, लाखों में? हाँ 2-3 लाख रुपए की चीज है वो। हाँ बस तुम्हारा पफ तक है इतनी चीज। अभी बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है तुम्हें? हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं तुम्हें? थोड़ा सा मैं हिंट दे सकती हूँ। नहीं तुम कुछ भी मत दो, खा मत पी लेगी, मत बताओ खा मत पी लेगी। बर्बाद कर रही हो हमारा पैसा, इतना पैसा खर्चा करा हमने सरप्राइज देने के लिए। दो पहिए? हाँ भाई कह दे, एक डलो बुलेट तो है गई मन में लड्डू फूटा। एक पहिया माही, दो पहिए। अरे नहीं आएगा, इन्होंने पहले में तुम्हें उलझा दिया बहुत ज्यादा। चलो तो गाइस फटाफट से चलते हैं, और नीचे दोस्त आ चुके हैं और रिवील करेंगे बस वाली चीज को अब जाकर। यही नहीं अभी और सुनिए, अगर भाई को सरप्राइज गिफ्ट देना था और वो सरप्राइज गिफ्ट पे ये वाला। अब भाई इसके पीछे क्या है तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। देखो भाई यहाँ से टायर देख लो, दिख गए टायर। ये बाइक कौन सी होने वाली है अभी हम आपको रिवील नहीं करते हैं। बस अगर भाई उन्होंने ध्यान को कह दिया भाई सरप्राइज देना, फटाफट से आ जाओ। अभी एक हम जगह पर आ चुके हैं, बहुत ही प्यारी जगह है ये देख लो, मतलब यहाँ पर रिवील करेंगे। बस थोड़ा वेट और करना भाई, फिर फाइनली उगर भाई को हम यहाँ गिफ्ट दे देंगे। आज जीजू को इतना महंगा गिफ्ट देने वाला हूँ ना, जीजू ने हमारे एक्सेप्ट ही नहीं करा होगा भाई, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? और देखो हाँ ये बंदा देखो भाई कार सीख रहा है, और मैंने इससे 6 बार कह दिया, मैंने कि भाई कार पे फोकस दे, बार बार मुझे देख के जाता है, कभी सामने खुद ना पहुंच जाए कहीं। भाई बताओ कैसा लग रहा है सरप्राइज? तो मतलब खुश हो जाएंगे या उदास हो जाएंगे? बिल्कुल पागल होगी तरह। चलो भाई सही, बस आने देते हैं, बस हमारे कोई कोट सेट लेने आ चुके हैं, तो वो कोट सेट देखे फिर आते हैं, फिर उन्हें रिवील कराते हैं। अगर भाई सामने आ चुके हैं और इतनी देर के बाद आए ना, हाँ इन्हों का चेहरे की मुस्कुराहट देखो। कैसे हो? तुम्हारे लिए सरप्राइज कैसा लग रहा है अगर भाई? अरे अरे मुस्कुराहट दिख नहीं रहा तुम्हें, इतना बड़ा सरप्राइज है यार, ऐसी बात कर रहे हो। टायर तो दिखेंगे ही, अबे भाई बहुत अच्छी चीज है ये। मैं बता दूं क्या ये तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए है एक न्यू बाइक जो हम न्यू, हाँ ये सच्ची मुबारक भाई, मुबारक भाई, टेकिंग डिलीवर फॉर न्यू बाइक। आज हम अबूबकर भाई को दे रहे हैं न्यू बाइक गिफ्ट। रोड बन गया देखो, दुनिया भर की पता नहीं कहाँ से आ चुके। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, चलो अगर भाई उदाहरण पड़ता है। अबे नहीं भाई उबकर भाई, इन्हें बाइक मत देना, ये भाई बहुत पावरफुल होने वाली है। चलो एक बात तो बताओ, अरे इधर इधर आ जाओ। अबे नहीं भाई तुम्हारी टायर है, ये तुम्हारा? लो मैं टायर दिखा देता हूँ तुम्हें, ये टायर है तुम्हारा? ओ दिख जाएगा, दिख जाएगा। अभी बताओ तुम्हें क्या चीज लग रही है, मतलब की है? भाई बुलेट ही लग रही है मुझे तो। बुलेट लग रही है भाई, तुम्हें क्या लग रही है? भाई बहुत हेवी बाइक है भाई, जो तुम्हारी तरह हेवी होगी। बताओ पर्दा में होगा ना भाई, दूर दूर से देख लो, कुछ भी रिवील नहीं करना अभी तक। ये तो अबे आइडिया हुआ दिखा, ये तो अबे बहुत खतरनाक चीज है भाई ये, इन्हें बच्चों को पता इतना नहीं है। हमने यहाँ तुम्हारे लिए 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अबे भाई कंबल चादर मिली नहीं ना, शोरूम वाला ने डिलीवरी जल्दी दे दी थी। चले अबे और क्या नहीं है, मजाक समझते हो गए तुम हल्के वाले तो क्या अरमान ब्लॉग को। चलो भाई रिवील करने जा रहे हैं हम न्यू बाइक जो वो अगर भाई को गिफ्ट मिली है तेरे। ये अपना कंबल संभाल लें पहले। अबू बकर भाई की न्यू बाइक।
भाई कैसी लग रही है बच्चों, कैसी लग रही है न्यू बाइक? चलो भाई चलाओ के चलाओ तो। चलो भाई फर्स्ट टाइम है और भाग। अरे कहाँ जा रही है दंडो? अरे भाई तो गाइस अबू बकर भाई तो काफी कुछ हो चुके हैं, न्यू बाइक गिफ्ट लेकर। ले तू भी हो। वो बाइक लेकर भाग गए, वो गए, वो तो भाई उन्होंने नहीं देखा भाई कौन है, रिवील करे पर्दा वाला काफी खुश है। अभी आने वाले होते हैं, आ गए आ गए। अरे भाई तो भाई हमें रोक तो लेते हैं यार एक मिनट के लिए। कैसी लग रही है बाइक? बहुत शानदार, शानदार है। गिफ्ट बताओ हमारा बचपन का सपना। अरे बचपन का सपना पूरा हो गया ओगर भाई का, न्यू बाइक का। अरे रो मत, कोई बात नहीं भाई, अब घर पे लेके चलते हैं, पानी फानी डलवा लेंगे ना उगर भाई। इन्हें राइड लेने देते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। और ये हमने दिया उगर भाई को जावा बॉक्सर, उसका साउंड देख रहे हो भाई, एक इधर एक जोश है और एक इधर एक जोश है। भाई तुम्हारी बाइक खराब कर रहा है, इससे कपड़ा पड़वाओ पहले। अरे बताओ ईमानदारी सीरियस रे उगर भाई, कैसा तुमने कभी सोचा था इतना बड़ा गिफ्ट मिल सकता है? अबे बस बोल ले, देखो ओ मोटो को बिठा लिया। और अरे पंचर हो जा भाई, सब माशाल्लाह से ना भाई बहुत ही प्यारी बाइक लग रही है। और भाई पावर तो उसमें बहुत सारी है, बस घर पे चल के अब हमें ना पानी डालेंगे, देखो ठीक है ना, हमें पैसे दे देना 500 रुपए, ठीक है? 11-11 रुपए। और ये भी है भाई, ये भी है 11-11 रुपए, ठीक है भाई, मजा आ गया। तो सीधा मिलते हैं आपको डायरेक्ट घर पर। ओके बच्चों आपने बहुत अच्छा करा है, शुक्रिया सबको। हस्बैंड को इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, आज खुश हो चुके हैं वो। दिखाओ, चलो नीचे आ जाओ, अम्मी आ जाओ। अम्मी कितनी खुश हो रही है, तुम क्यों खुश हो रही है इतना? आज से पता ना बहुत मोटा। सिस्टर पानी फानी ले लो या ऐसे चलना है? पानी बिस्लरी पिला दो, भाई लाएगा जब डालेगी पानी। अच्छा पर गिफ्ट तो भाई ने दिए ना, पानी को डालेगी? अरे यार इन्होंने कंफ्यूज कर दिया मुझे। चलो जो भी बात है, हां हां बोलो, कैमरे में बोल दो। चलो कोई नहीं, टस्से की बात है। चलो जी, चलो गाइस सिस्टर भी आ रही, भाई एक मिनट रुक जाओ, आ रही है। पर्दा ढक दे, आ जाओ अम्मी। एकदम से रिवील करा जाएगा गिफ्ट, अम्मी ज्यादा गुस्से हमारी। अम्मी दिखा दो क्या रिवील है। तड़े तड़े, ये न्यू चीज कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सिस्टर आ रही, मैं हाथ हटाओ, मैं हाथ हटाओ। अरे आवाज नहीं भाई, हमारे यहाँ ना बराबर में लेंटर डल रहा है, तो ये वाले इस मशीन से ना पूरा मतलब की शोर ज्यादा हो रहा है। सिस्टर भी आ चुकी है, चलो गाइस दिखा दे। आ जाओ सिस्टर, 3-2-1 अबू बकर भाई को न्यू गिफ्ट दिए किसी और की है। अबे यार अम्मी हम पे इतना भरोसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं कर सकती। अबू बकर भाई, अबू बकर भाई, ये तो हमने तुम्हें गिफ्ट नहीं दी, यकीन नहीं माननी है ये तो। ये कोई नोके नया नंबर प्लेट है, चाय भी नोके आता है। 50 दिन तक चलाएंगे नहीं क्या वो? मगर गिफ्ट में मिली है ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम हमारे फैमिली? अबू बकर भाई देख रहे हो, भाई 50 दिन तक मिलेगी क्यों नहीं, ये तो बताओ। अरे कोई ये दे ही नहीं सकता बिना फालतू के। अरे हमने दिया ना, कोई और देगा ना। जब जैसा अगर कुछ दे तब तो दे सकता है, लेकिन बिना फालतू को कोई नहीं दे सकता। हमने दे दी मर्जी हमारी, हमें विश्वास नहीं हो रहा यार। क्या करा यार, अबू बकर भाई तुम्हें तो ट्रस्ट है ना? ये बताऊ, तुम्हें ट्रस्ट है ना पूरा तरह से? अब एक बात बता दो, ये तो ये प्रियंका का तुम्हें पता थी, ये प्रियंक है, ये बाइक है, इन बाइक की कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बाइक, न्यू बाइक। और अरे रो मत, अबे भाई रो रहे यार। चलो लो, अरे रख लो, चलो अरे रख लो। अबे तुम्हें पता थी, अरे कितने झूठ बोल रहे, ओए ना पता थी, नहीं झूठ बोल लेना, भाग गए झूठ बोल ले। इतना खुश हो गए, नाच रहे मुनियो बाइक का करा वो बकर भाई पर प्रैंक। आ जाओ घूम,
अरे इसको मत लगाइए, सीट छोटी है इसकी, ये भी अलग से लगवाई है मम्मी, इस पर सीट नहीं आती, अलग से लगी है ये, देखो ये रही, ये सिर्फ सिंगल सीट की आती है, बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए नहीं है। हाँ हाँ भारी बाइक बच्चों के लिए है। हाँ तो मेरे लिए सही है, पर प्रैंक कैसा लगा कर भाई, नेक्स्ट लेवल प्रैंक भाई ये है ना, अब तुम रिवील बेकार लगा है, हाय 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 भाई, 2-2.5 लाख की बाइक है, तूने गिफ्ट इतना, मैं तो बेहोश हो गया था, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूं, ये जो घर बन रहा है ना ये तुम्हारे नाम, इंशाल्लाह ये वाला घर जागता भाई। चलो ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा लगा, और ये वाला प्रैंक में तो मुझे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो चुका है, प्रैंक करने में तो मुझे मजा आ चुका है, क्योंकि भाई लेकर आए थे न्यू बाइक, तो मैंने सोचा था मैं वो अगर भाई के ऊपर कर ही देता हूँ, और ये प्रैंक इतना नेक्स्ट लेवल हुआ ना, सीरियसली मैं आप सब कितना ज्यादा सीरियस था ये प्रैंक, और वो अगर भाई एक तरीके से सीरियस बताऊँ तो खुश हो गए थे ना, मैं आप सबके थोड़ा वो शक भी नहीं था तुम्हें कि नहीं है, बट भाई का भाई क्योंकि अब इसके नंबर प्लेट भी नहीं आया था, यकीन मान गए थे, पर अभी हम इसके थोड़े बहुत राइड लेने जा रहे हैं, और एक नंबर है, और यहाँ पर इसका गाइस देख सकते हैं कंट्रोल है, और इसका जो ये वाला कलर है ना गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ पर आते मिली है गर्मा गर्म पकौड़े आ रहे हैं, वाह, और चटनी देख रहा हूँ इतनी ज्यादा स्पाइसी हो रही है ना, इसके अंदर इमली मिल रही है और लाल मिर्च है, नहीं सीरियसली बहुत ही स्पाइसी चटनी हुई पड़ी है, मैं चटके मस्त है, अरे 1 किलो आलू तेरा पूरा हमने खा, अरे मजा आ गया, और मेरे लिए यहाँ पर चाय बना दी, देखो हमारी गली इतनी अच्छी लग रही है ना भाई, लाइटों से देखो सामने वाला घर है ना भाई, अलग ही चमक रहा है, मतलब कि इधर से लेके और वहाँ भी गोल्डन लाइट है, और इधर भी, मतलब कि ना सामने जितने भी घर है ना सबके घरों पर लाइट लग चुकी है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देता हूँ मैं जल्दी से कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट है फाजिल कुरैशी अरमान भाई ऑन टॉप, अरे थैंक यू, मुस्तफा खान गुड व्लॉग भाई, थैंक यू भाई, अभी बच गया, जीने पता, देखो भाई पैर कैसे कैसे फिसलने से बचा, नहीं तो ये प्रसाद मिल जाता कामा पीली का, ये है आज मेरा बर्थडे है, आपने वीडियो में मेरा नाम ले लेना अरमान भाई, मेरा बर्थडे गिफ्ट रहेगा आपकी तरफ से, मेरा नाम है इरशाद, मुंबई से बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत और जल्दी आ रहा हूँ आपसे मिलना रहे भाई, इरशाद भाई लव यू भाई, आपको अल्लाह खुश रखे हमेशा, आप नमाज पढ़े माशाल्लाह से, इरशाद भाई हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, अब्दुल मतीन आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी आ रहा है, शुक्रिया जी। तो चलो भाई आपका आज वीडियो कैसे अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय बाय।